हेलो दोस्तों, मदेणो चिनटेक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं ये 2SC5143 ट्रांजिस्टर बोर्ड है, और ट्रांजिस्टर में और 6 MOSFET में। तो दोस्तों, ये किसी ने इसको रिपेयर किया है लेकिन वो हो नहीं पाया है, तो ये हमारे पास आया है, इसको रिपेयर करेंगे हम। तो इसमें MOSFET हैं वो तब जले हुए थे जो निकाल दिए हैं, उसमें पहले हम सप्लाई चेक करेंगे, और काफ़ी छिड़ा हुआ है, हर जगह छिड़ी हुई है। इसमें एक चैनल ये है 1952-1943 वगैरह, यहाँ पे भी ऑडियो सेक्शन में, कन्वर्टर सेक्शन में, कुल मिला के डेड है बिल्कुल। तो इसको रिपेयर करेंगे आज। तो इसके लिए पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसमें एक कैपेसिटर है वो भी गायब है, हालांकि इसमें एक सप्लाई पर डबल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक लगा रहने में, बाद में लगा देंगे। तो दोस्तों, इसमें पहले हम चेक करेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। इसमें हमने वायर सोल्डर कर दी थी वाली डीसी वाली, इसमें वायर भी नहीं लगी हुई थी। दोस्तों, इसमें 6 MOSFET Z44 P55 कोई सा भी लगा सकते हैं लोड के हिसाब से। तो इसमें हम P55 ही लगाएंगे, और इसमें पहले हम इसको चेक करेंगे इसमें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। इसके लिए हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम हमारा मीटर निकाल लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि सप्लाई में, हालांकि इसका फ्यूज वगैरह तो सही है, तो जो भाई इसको लेके आया था वो बोल रहा था इसमें MOSFET बार बार जल जाते हैं। तो इसको देखेंगे, इसकी सप्लाई में ड्राइव में IC लगी हुई है 35-25 है ये वाली, और इसमें हीट सिंक काफ़ी हैवी लगी हुई है। हालांकि MOSFET तो इसमें बाद का काम है, पहले इनको सप्लाई को कर लेते हैं, कन्वर्टर सप्लाई को। ये 12 से 50 वोल्ट बनाती है, इसमें काफ़ी हैवी ट्रांसफार्मर कॉइल लगी हुई है। इसमें DC to DC 50-0-50 बनाती है इसमें, और इसमें ये हैवी वाले डायोड लगे हुए हैं जिसके थ्रू सप्लाई बनती है। दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारी सप्लाई है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका फ्यूज है ओके है, हालांकि इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है कंटिन्यूटी चेक करने पर। दोस्तों, इसमें जम्पर वगैरह तो सही लगे हुए हैं। उसमें पहले हम चेक कर लेते हैं, कॉइल तो शॉर्ट नहीं है इसकी MOSFET की जगह, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है जहाँ ड्राइव बनते हैं। दोस्तों, इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है, इसका डायोड वगैरह भी सही है जिस सप्लाई जाती है जहाँ से IC के लिए। इसको एक बार पावर में लगा के चेक करते हैं। उसके लिए हम सप्लाई यूज करेंगे ये वाली जो हमने पिछले वीडियो में इसको कंप्लीट किया था। इसका वीडियो किसी भाई को चाहिए तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सप्लाई को बनाने का। उसमें 12 वोल्ट वाली सप्लाई है 24 एम्पीयर, तो हम इसको यूज करेंगे। इसमें इसको थोड़ा ब्रेक ऑफ ला देते हैं इसे, इसके लिए हमने ये सॉकेट पहले ही बनाई हुई है, इसको यूज करेंगे हम। इसको पावर में लगा देते हैं, इससे हमें पता चल जाएगी कि इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह है या नहीं है। दोस्तों, इसको ऑन करते हैं इसका। तो दोस्तों, ये फैन चालू हो गया है मेरे सप्लाई का, और इसको मीटर को कर लेते हैं 20 वोल्टेज वाली रेंज में। दोस्तों, ये प्लस वाला हो गया। दोस्तों, यहाँ पे 16 वोल्ट करीब दिखा रही सप्लाई है, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में ये इसकी IC को जाने वाला डायोड है यहाँ पे, इसके थ्रू जाती है। कैपेसिटर लगा हुआ है 1025 या 1035 कोई सब लगा देते हैं। इसका ड्राइव चेक करते हैं हम। ड्राइव यहाँ बनेगी, एक पिन ये है इसकी,
और दूसरी वाली पिन ये है दोस्तों, इस पर ड्राइव तो 7-7.5 वोल्ट के करीब बन रहा है, इस पर 6 वोल्ट बन रहा है, 7 वोल्ट पिन पे तो सही बन रहा है ड्राइव, 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ड्राइव तो इसमें दोनों सही बन रही है, तो इसके लिए हम इसमें डायोड मॉस्फेट लगा के चेक करते हैं, तो इसको ऑफ कर देते हैं सप्लाई को, और ये कैपेसिटर को कर देते हैं डिस्चार्ज, जो कि यहाँ चार्ज रह जाता है इसको ये डिस्चार्ज हो गया इसी वजह से। दोस्तों इसके लिए हम सिर्फ इसमें 2 मॉस्फेट ही लगाएंगे ये, तो अगर एक साथ सभी मॉस्फेट को लगा लेंगे तो ये अगर आगे शॉर्टिंग हुई तो जलाने का चांस रहता है, तो इसके लिए हम सिर्फ इसमें 2 मॉस्फेट लगाएंगे, एक इधर वाले ड्राइव में और एक उधर वाले में। इसमें पेच कसे हुए हैं उनको खोलते हैं सभी को, काफ़ी हैवी बोर्ड आता है 400 वाट में, 8 मॉस्फेट वाला, 8 ट्रांजिस्टर वाला। काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है, दोस्तों इसमें सिर्फ 2 मॉस्फेट लगाएंगे एक एक दोनों साइड में, इससे क्या है हमारी सप्लाई तो बन जाएगी लेकिन पावरफुल नहीं रहेगी इतनी, उसके सिर्फ हमें ड्राइव चेक करना है अगर ड्राइव में गड़बड़ तो नहीं है, जिससे कि बार बार मॉस्फेट को उड़ा रहा है, तो ये चीज़ हमें कंफर्म करनी है इसमें पहले, उसके बाद में अगला सेक्शन देखेंगे। गेट वाली पिन पे मॉस्फेट की पे तो सही बन रहा है ड्राइव दोनों पे, राइसिंग प्रॉब्लम हुई तो ये दिक्कत कर सकता है, इसलिए पहले इसमें 2 मॉस्फेट ही डालेंगे एक एक दोनों साइड में, बीच वाला लगाया हमने इधर वाले हीट सिंक वाला भी बीच में है और इधर ड्राइव वाला भी बीच वाला ही डाला है। अब देखते हैं इसमें ड्राइव वोल्टेज बने हैं या नहीं बने हैं, इसके लिए हम इसको मीटर को कर लेंगे और इसको ले आते हैं पास में, मीटर कर लेते हैं 200 वाली रेंज में, क्योंकि इसमें वोल्टेज बनेंगे 20 वोल्ट से ज़्यादा, तो उसमें यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये वाला ग्राउंड है इसमें, ये इसका प्लस और ये वाला माइनस वोल्टेज, इसको ऑन करते हैं सप्लाई को, सप्लाई ऑन हो गई है फैन भी चल रहा है, तो देखते हैं इसमें सप्लाई बनी है या नहीं बनी है। दोस्तों इसमें ये वाली माइनस सप्लाई है 70, दोस्तों इसमें सप्लाई में गड़बड़ है इसी वजह से इसके मॉस्फेट बार बार उड़ रहे हैं, तो इसके लिए देखेंगे या तो आईसी में प्रॉब्लम है, लोड पे आईसी ज़्यादा ड्राइव निकल रही है, तो बार ड्राइव चेक कर लेते हैं इसका, गेट पेन है ये वाली, इसमें 9 वोल्ट ड्राइव आ रहा है और इसमें 8 वोल्ट करीब आ रहा है। तो दोस्तों इसकी आईसी में प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसमें सप्लाई कमती बढ़ती हो रही है, इसमें 7 वोल्ट और इधर वाले ड्राइव सेक्शन में 9 वोल्ट और 10 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसकी वजह से ही ये वाली आईसी 35-25 से लगी हुई है, तो ये चेंज करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए हम एक काम और कर लेते हैं, इसमें कोई ये एम्पलीफायर सेक्शन में
ट्रांजिस्टर होते हैं 5443 की जो सप्लाई है 50 प्लस और 50 माइनस ये भी लगी हुई है। इसको एक बार ओपन करके और चेक कर लेते हैं कहीं ये वोल्टेज को ड्रॉप तो नहीं कर रही है। तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं तीनों को। ये यहाँ से होके जाती है इसके लिए सप्लाई, तो अब चेक करेंगे हम इसको। मीटर को थोड़ा इधर खिसका देते हैं दोस्तों, इसको ऑन कर लेते हैं एक बार सप्लाई को दोस्तों। ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया हमारा दोस्तों। चेंज आया थोड़ा, 61-62 वोल्टेज 61 वोल्ट के लगभग है, लेकिन सेम नहीं हुए दोनों वोल्टेज दोस्तों। ये आई सी है इसमें 3525 है, इसको चेक करते हैं एक बार चेंज करके। तो इसके लिए ये आई सी हमें निकालनी पड़ेगी, हालांकि इसमें जैक लगा हुआ है, जैक फंसा हुआ है, इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं। सोल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी इसको, तो इसको हम हटा देते हैं और इसके लिए दूसरी आई सी लगाएंगे, ये वाली 3525 है, दूसरी आई सी है, फ्रेश आई सी है, इसको यूज करेंगे इसमें। इसका पिन दिया हुआ है, पिन नंबर 1 है, 16 पिन की आई सी है। इसका पिन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, दोबारा से लगाते हैं इसके। जैक लगा हुआ है इसमें, इससे जैक से आसानी से रिमूव हो जाती है, लग जाती है आई सी। उसको आई सी का लगा दिया है, इसके बाद इसका दोबारा से चेक करते हैं इसको ऑन करके। वायर लगा देते हैं पावर वाला, इसे और चेक कर लेते हैं। यहाँ से 58 दिखा रहा है और यहाँ से 75-76 वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसको। इसके लिए हो सकता है इसमें एक कैपेसिटर नहीं है, इसको चेंज करके और देख लेते हैं कैपेसिटर को निकाल के। इसमें एक कैपेसिटर है और इसमें दो कैपेसिटर हैं, तो एक को रिमूव कर देते हैं इसमें से और उसके बाद में देखेंगे। इतना चेंज नहीं आना चाहिए वोल्टेज में, इसमें डिस्चार्ज नहीं किया हमने तो ये चार्ज ही रह गया है। इसको पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं, इसके लिए बल्ब का यूज करेंगे। तो डायरेक्ट पिन टच करके करते हैं तो धमाका होता है इसमें, इस तरह से टच करेंगे तो उसमें ब्लास्ट होगा एक तरह से। तो कभी वो बल्ब का इस्तेमाल करें उसके लिए, इससे आवाज़ भी नहीं होगी और आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो जाएगा। काफ़ी हैवी चिपका हुआ है, इसे टूट गया निकल गया है। इसको एक बार दोबारा से चेक करते हैं सप्लाई में इतना अंतर क्यों आ रहा है आईसी चेंज करने के बाद में। दोस्तों अब 60 वोल्ट दिखा रहा है प्लस वाला और माइनस वाला दिखा रहा है 50 वोल्ट, डिफरेंस फिर भी है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए, 1-2 वोल्ट का डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। इसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो इसके लिए या तो इसकी कॉइल गड़बड़ कर रही है, कॉइल शॉर्ट है, जबकि हमने आगे की सप्लाई इसकी ओपन की हुई है 75 वोल्ट और आपका 60 वोल्ट, काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। इसमें इसकी कॉइल को देखेंगे, जो ये वाली कॉइल है ये वाली, इसमें शॉर्टिंग होगी तो भी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों हमने कुछ जंपर लगा दिए हैं इसमें, तो ये क्या है प्रिंट ब्रेक थे इसके, तो उसकी वजह से ये सप्लाई दिक्कत कर रही थी, जो एक साइड में ज़्यादा बन रही थी देखिए अभी बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सप्लाई बराबर हो गई है। 59 वोल्ट और 63 वोल्ट के लगभग हो गई हैं दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों हमारी सप्लाई तो कंप्लीट हो गई है, अब इसको आगे मोसफेट सेक्शन में, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सेक्शन में चेक करेंगे। इधर भी
दो तो इसमें 1943 ओपन हुए पड़े हैं ये वाले, और ये 3940 ये भी निकले हुए हैं। तो इसको तो हम कनेक्शन काट देंगे इसका, और ये दूसरी साइड को एक बार लगा के स्पीकर से चेक करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहें, और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें हमारे को। तो दोस्तों इसकी एक सप्लाई को हम ओपन कर देंगे, एक साइड जो ठीक लग रहा है उसको चेक भी किया हमने। तो इसमें ग्राउंड बीच वाला ब्राउन ये हमारी, प्लस वाली सप्लाई हो गई। जब कभी प्रिपेयर करते हैं तो हटाने की वजह से यहाँ पे जम्पर दिए हुए हैं, इसको हटा सकते हैं। तो इसके लिए हम इस वाले मॉस्फेट सेक्शन को हटा देंगे यहाँ से, प्रिंट काट देंगे यहाँ से, जिससे इसको रिपेयर करने में आसानी रहेगी। और हम देखते हैं इसका आवाज़ इसमें आया है नहीं आया है। इसको यहाँ से ये हटा दिया हमने, और स्पीकर लगाते हैं इसमें डायरेक्ट। स्पीकर तो वायर ही जोड़ेंगे इसमें, यहाँ पे ये वाला इसका ग्राउंड है यहाँ पे, और ये इसकी ऑडियो आउट एम्पलीफायर बोर्ड की। एक बार इसको लगा के चेक कर लेते हैं कि आवाज़ आ रही है इसकी। यहाँ पे इनपुट है ऑडियो, उसको यहाँ से जोड़ देते हैं। इसको हटा दिया था हमने, तो दोस्तों एक बार आवाज आई है, उसके बाद में चली गई है। तो इसमें एक साइड खराब है, एक चैनल, जिसको हम एक चैनल बोलते हैं ये वाला चैनल। तो इसको रिपेयर करते हैं। दूसरा चैनल 10 का ओके है। दोस्तों इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा चारों मॉस्फेट, सॉरी ट्रांजिस्टर, 5243 और ये 140-47 सभी को एक बार एक बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मीटर को बाजार पर कर लेते हैं, चेक करते हैं कहीं मॉस्फेट शॉर्ट है या फिर ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। दोस्तों इसके 5200 तो बिल्कुल ओके हैं, और 4300-4943 ये ओपन हुए पड़े हैं लेकिन शॉर्टिंग नहीं है इनमें, कोई भी शॉर्ट नहीं है। तो इनको तो कर देते हैं एक सोल्ड, और फिर उसका देखते हैं 139-40 को। इसी भी काफी रिपेयर हो चुकी है, इसको हम जोड़ देते हैं। ये पिन थोड़ी अजीब हो रही है, इसमें 39-40 शायद यहाँ तक है, किसी ने ओपन किया है इसको। इनको यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों 140 शॉर्ट बोल रहा है इसमें, और ये 39 भी ओपन कर रखा है। इसकी भी दो पिन शॉर्ट आ रही हैं। तो दोस्तों इनको निकाल लेते हैं, इसी वजह से इसमें मॉस्फेट टूटने की शिकायत आ रही है ये वाला BT 139 और 140 पेयर नया ही डालेंगे इसमें दोनों को। ओपन में भी शॉर्ट बता रहे हैं, एक बार और चेक कर देता हूँ। शॉर्ट हैं ओपन करने के बाद भी, इसकी तो तीनों पिन शॉर्ट हैं, इसकी दो पिन हैं। इसमें
नए फ्रेश निकाल लेते हैं और उनको डालेंगे। उसके बाद इसका दूसरा हैंडल रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम नए 39-40 निकाल। दोस्तों इसमें हमने 39-40 अपने निकाल लिए, फ्रेश लगाएंगे बिल्कुल नया पीस। ये यहाँ पे 39 आएगा और यहाँ पे इधर की साइड BD 140 आएगा। यहाँ पे प्रिंट थोड़े पकड़े पड़े हैं इसके PCB के, तो इनको एक प्रॉपर तरीके से लगाया जाएगा जिसे दिक्कत ना करे। बिल्कुल कटे हुए हैं प्रिंट इसमें। तो लगा दिया है हमने, इसका प्रिंट चेक कर लेते हैं कहीं ब्रेक तो नहीं बीच में से। एक बार इसको साफ करेंगे थिनर से, उसके बाद में इसको ऑन करके देखेंगे कहीं और कोई प्रॉब्लम, और शॉर्टिंग और भी देखेंगे। अभी हल्की सी लापरवाही हमारा नुकसान कर देगी, जो भी सामान डाला है तुरंत ख़राब हो जाएगा। अगर गलती से भी कोई एक आध पड़ जा सॉल्ट रह गया इसमें। पहले हम इसका प्रिंट जोड़ देते हैं यहाँ पे, ये वाला। तो दोस्तों इसको एक बार साफ कर लेते हैं थिनर से। दोस्तों क्लीन हो गया, एक बार इसको चेक कर लेते हैं बाकी ट्रांजिस्टर्स को, कहीं शॉर्ट तो नहीं है ये हमने डाला है, और इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे भी नहीं। उसको हमने ठीक कर दिया है और हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ये वाला सेक्शन चालू हुआ या नहीं हुआ। ये वाला पेन यहाँ से सोल्डिंग हो गया था गलती से, तो इस वजह से हो गई। हमने सर्किट बाद में जब साफ करके देखा है तो मालूम चला इस वजह से इसकी हो जाती है गलती कभी कभी। तो आप देखिए इसमें शॉर्टिंग नहीं आएगी, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब सिर्फ इसको देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, हल्का सा वो कंडेंसर डिस्चार्ज हुआ है उसकी आवाज़ आती है बस, बाकी का कुछ नहीं आएगा इसमें। देखिए चार ट्रांजिस्टर ओके हो गए हैं। अब इसमें हम ऑडियो चेक करेंगे इसका, हालांकि इसमें हमने BT कार्ड नहीं लगाया हुआ है, अब हमने स्पीकर इधर लगा रखा था। अब इसको इधर वाले से इधर सोल्डिंग करेंगे, पहले उसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आवाज़ आ गई इसमें, ये इसका इनपुट पॉइंट है यहाँ पर, जो बेस ट्रबल से आती है वो। ये हमारा एक चैनल हो गया ना, इसका ग्राउंड तो एक ही होता है, इधर लगा लो या इधर लगा लो। तो इसको हम दूसरे चैनल पर और चेक कर लेते हैं इधर वाले पर। ये यहाँ से जाएगा दोस्तों, ये दूसरा नंबर जो हमने रिपेयर किया है वो वाला है। इसमें भी दोस्तों ये ओके हो गया है। अब इसमें हम ऑडियो चला के चेक करेंगे
कहीं इसमें आवाज़ फटी हुई है, डिस्टर्ब तो नहीं आ रही है। दोस्तों इसके लिए हमें इसका बेस ट्रबल लगाना पड़ेगा इसमें, और इसकी ऑडियो लगानी पड़ेगी, तो थोड़ा वीडियो और बढ़ जाएगा इसमें, तो वीडियो में बने रहें। और देखते रहें हमारे चैनल को कंप्लीट पार्ट संबंधित वीडियो के लिए। इसमें आउट हो गया, ये इसका ग्राउंड है यहाँ का, और ये इसकी दूसरे चैनल का वॉल्यूम का है। तो दोस्तों इसको 12 वोल्ट से वो जोड़ेंगे, जिससे इसमें 12 वोल्ट देंगे, 5 वोल्ट बनेंगे। और BTS में बेस ट्रबल दो तीन तरह की आती हैं इसमें, कुछ एक 33 वोल्ट से ऑपरेट आती हैं, 33 से लेके 50 वोल्ट तक। तो हम 12 वोल्ट से ऑपरेट वाली लगा रहे हैं, यही उपलब्ध है हमारे पास चेक करने के लिए। ये हमारा ग्राउंड लग जाएगा यहाँ पे, बाद में इसमें 5 वोल्ट बन जाएंगे और वॉल्यूम वगैरह इसी में अटैच हो जाएगा। दोस्तों ये हमने लगा दी, इसके बाहर जोड़ देते हैं ये हमारा। हाँ तो दोस्तों ये हमने ऑडियो लगा दिया है इसमें, BT लगा दिए। अब इसमें तो USB कार्ड लगा के चेक करेंगे इसको, हमारा ग्राउंड। देखिए इसमें पावर आ गई है 5 वोल्ट, और इसमें ये ऑडियो इनका है। दोस्तों ऑडियो आ गई है, और इसमें हम दोनों स्पीकर चेक करेंगे, आवाज़ सही आ रही है, फटी वगैरह तो नहीं आ रही है इसमें। कभी कभी ऐसे होता है क्लिक ओनली चेक करने पर ही आवाज़ का सही से पता नहीं चलता है, तो इसके लिए तो आवाज़ आ गई है इसमें। अभी हमने एक चैनल लगा रखा है, एक चैनल पे मतलब एक स्पीकर लगा रखा है, तो उसके लिए हम इसको तो इसी पे लगा देते हैं, और दूसरे वाले स्पीकर को और लगाते हैं। दोनों को चेक करेंगे, उसके बाद में हमारा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि बोर्ड तो कंप्लीट है, लेकिन चेक ही तो करना है हमें, और ना इसमें कोई हीटिंग प्रॉब्लम है अभी तो आई नहीं है। तो इसमें दोनों स्पीकर लगा दिए हमने, देखे ये वाले, ये दोनों स्पीकर के हो गए। इसका इनपुट हो गया, ये जो जम्पर लगाए थे हमने, जो प्रिंट कटे हुए हैं उसके लिए। दोस्तों इसको हम सीधा कर देते हैं एक बार ऑफ करके, देखिए, जिससे इसकी हीटिंग वगैरह का पता चल जाएगा। और ये हमारा USB। दोस्तों इसमें हम हीटिंग देखेंगे इसकी, कि MOSFET इसके गर्म तो नहीं है। अभी हमने दो ही MOSFET लगाए हैं इसमें, दो लगाए हैं, चार, एक एक और लगाना है। पहले इसकी हीटिंग देख लेते हैं, उसके बाद में उसको भी कंप्लीट कर देंगे, MOSFET उड़ने की जो शिकायत है। दोनों स्पीकर फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। दोस्तों सभी सही चल रहे हैं। तो दोस्तों हमें इसमें कॉपीराइट फ्री बॉडी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं चला पाएंगे। दोस्तों काफ़ी शानदार आवाज़ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और एम्पलीफायर से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।